बिहारी। गुरु वैष्णव के आतिथ्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर आए थे ये स्थान का नाम जयपुर है। जो जयपुर में जितने हमारे गौड़ीय वैष्णव का ठाकुर है और भी दूसरे दूसरे जितने सारे ठाकुर, ये सब के सब वृंदावन छोड़ करके आ गए। कहाँ आ गए? मतलब सब के सब जयपुरी में आ गए। इसलिए अभी जिस मंदिर दर्शन करने के लिए हम आए थे, ये ठाकुर जी का नाम है राधा माधव। क्या नाम है? जोर से बोला, राधा माधव। भैया हमारे घर में भी तो ठाकुर है, हमारे घर में ठाकुर है कि नहीं? फिर हम इतना दूर से वृंदावन छोड़ करके, अरे इतना दूर सवेरे सवेरे 4 बजे, कोई लगता है कि इसको रात भर नींद नहीं आती होगी, सवेरे सवेरे बस जाकर के सीट में बैठना है, इसको नींद नहीं है। फिर ये लोग इतने कष्ट करके, फिर हम लोग इतने दूर फिर क्यों आए? वहां पर भी तो ठाकुर है ना, लेकिन फिर यहाँ पर क्यों दर्शन करने के लिए आए? इसलिए शास्त्र में बताया, बंगाली मायरा से पुस्तक चलते हिंदी, हाँ टीवी देखने का सबसे ठीक है। इसलिए क्या तो फिर इतने दूर हम फिर क्यों आए दर्शन करने के लिए? हमारे घर में भी तो ठाकुर है, लेकिन शास्त्र कहता है जतो महतवीर प्रतिष्ठित, जो ठाकुर जितने बड़े महापुरुषों को द्वारा स्थापित किया जाती है वो ठाकुर का उतना ही महत्व है। कहते तो भैया ये ठाकुर जी किसको द्वारा प्रतिष्ठित हुए? बोले श्री कवि जयदेव। क्या नाम उनका है? कवि जयदेव। बहुत बड़े ही रसिक भक्त हो गए। इनकी जो रस ग्रंथ है, जैसे गीत गोविंद, इनका रचयिता श्री गीत गोविंद ग्रंथ है जिसने रचना किया, अद्भुत ग्रंथ है, रस का चरम। श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहते थे, गंभीरा में रहते समय महाप्रभु इनकी ग्रंथों को पढ़ करके, राधा माधव जी खुला नहीं, खुला नहीं, स्क्रीन खुल गया तो खुल गया ठाकुर जी, ये दो मिनट बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, हरि कृष्ण हरि कृष्ण, सब बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, उसके बाद दर्शन करना। हरि बोल, सब बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, हरे कृष्ण। इसलिए कहते श्री ये कवि जयदेव गोस्वामी को द्वारा ये स्थापित मिल रहे हैं। ये कवि I'm not afraid.
Govinda, Govinda, Govinda.
भक्तिप्रिय ठाकुर को द्वारा रचित ये कीर्तन है। श्री गुरु श्री भक्तिप्रिय ठाकुर ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी, हे गोपीनाथ तुम कौन हो? बोले विश्व ब्रह्मांड के तुम मालिक हो। बोले ये माया किसकी माया है? बोले माया तेरी माया है। माया किसने बनाया? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन दैवी जैसा गुणा भाई मम माया, ये जो माया है वो मेरी माया है, लेकिन अपना चेष्टा से ये माया से कोई भी पार नहीं हो सकता है। कहते ये माया से कौन पार हो सकता है? कहते वही केवल ये माया से पार हो सकता है जो केवल श्री गोपीनाथ जी की चरण में शरणागत हो जाए, वही केवल माया से पार हो सकता है। नहीं तो किसकी ताकत नहीं ये माया से कोई पार हो सके। इसलिए ये भजन से श्री भक्ति विनोद ठाकुर इतने अच्छी अच्छी बात को बता रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारे अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं, लेकिन किसकी कृपा से हम ऊपर उठ सकते हैं? केवल ये गोपीनाथ अगर कृपा हो जाए ना, फिर तो ये माया से हम पार हो सकते हैं। इसलिए गोपीनाथ नियत चरणी
मेरे को उद्धार नहीं कर सकते हो, क्या मेरे ऊपर में तुम्हारी कृपा नहीं हो सकती है? इसलिए हे गोपीनाथ जी, हम सबको पर आप कृपा करो, ये माया तुम्हारी माया है। जब तक ये माया को तुम नहीं हटाओगे ना, ये माया से कोई भी परमार नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये गोपीनाथ जी की कृपा होना, तभी ये संसार समुद्र से हम हाँ पार हो सकते हैं। बोले श्री गोपीनाथ जी, बोले श्री गोपीनाथ जी। Shamitam madhuram, shamitam madhuram.
Yeah.